सो गाइस, आज के जो पार्ट में हम बात करने वाले हैं वो ये है कि हम इस गाड़ी के टैपेट को एडजस्टमेंट करेंगे, और टैपेट एडजस्टमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में ये प्रॉपर वीडियो है। तो पहले मैं ये वाली प्लेट खोलता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि इसके टैपेट कितने लूज़ हैं और फिर कितने लूज़ रखने होते हैं, और कितने लूज़ होने पर गाड़ी में आवाज़ आती है, उनको कैसे प्रॉपर सेट करते हैं। तो इस पार्ट में हम ये चीज़ कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं प्लेट खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, क्योंकि मैं लाता रहता हूं ऐसी ही टेक्निकली वीडियो आपके लिए। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं प्लेट खोलकर आपको दिखाता हूं। सो गाइस, सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि हमारे वाल्व कितने लूज हैं कितने नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या होगा कि हमें जो है अपनी गाड़ी के जो टैपेट हैं वो पहले हमें टाइप टॉप पे करना है। पिस्टन टीडीसी कर लेंगे तो वो हमें यहाँ से भी लग जाएगा पता। वो कैसे पता लगेगा यहाँ पर कि जो हमारे वाल हैं ना दोनों फ्री हो जाएंगे। तो मैं इसको पहले थोड़ा सा इंजन को घुमा के देखता हूँ कि हमारा कहाँ पर फ्री हो रहा है। तो ये हमारा ये वाला बाल तो बहुत ज़्यादा लूज़ है, और ये भी लूज़ है लेकिन ये थोड़ा सा कम है। ये ज़्यादा लूज़ है, एकदम फ्री है, ये ज़्यादा है, और ये हमारा थोड़ा सा कम है, लेकिन ये हमारा बिल्कुल सही है। इसको हम यहीं पर रहने देंगे, ये वाला हम टाइट करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, इसमें प्ले है, इसमें बहुत मामूली सी प्ले है और ये ठीक है। तो हम इसको यहीं पर रहने देंगे क्योंकि गर्म होने के बाद कई बार वाल ज़्यादा टाइट भी हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये टाइट नहीं होगा, लेकिन ये बहुत लूज़ है। तो पहले हम इसको, शायद आप आवाज़ भी नहीं सुन पा रहे होंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लूज़ है, इसको हम सेट करते हैं। तो सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें 13 नंबर की चाबी से ऊपर हमें ये ऊपर जो है पुश रॉड पकड़नी पड़ेगी, और नीचे 10 नंबर की चाबी से हमें ये नीचे का नट एक खोलना पड़ेगा। तो जैसे ही हमारा वाल्व फ्री हो जाएगा उसके बाद हम इसको हाथ से या 13 नंबर से पकड़ करके हम इसको यहाँ पर मिला देंगे। तो इस तरह से हमें ये पहले लूज़ कर लेना है पूरी तरह, और लूज़ करने के बाद हम इसको यहाँ से मिला देंगे। हमें एक और 13 की ज़रूरत पड़ेगी ऊपर चाबी की, इस तरह से हम इसको यहाँ पर मिला देंगे, और 10 नंबर का नट जो है हम फिर जो है पकड़ के ऊपर से टाइट कर देंगे, ताकि हमने जहाँ पर वाल मिलाए हमारा प्रॉपर वहीं मिला रहे। फिर हम इसको चेक करेंगे क्या ये परफेक्ट सेट हुआ है या नहीं। तो अभी इसके अंदर कोई प्ले नहीं है और ये बिल्कुल यहाँ पर सेट हो गया है और बिल्कुल फ्री है। ऐसा ही हमें रखना है कि प्ले भी नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल फ्री भी होना चाहिए। तो इसको हम यहाँ से पक्का टाइट करके एक बार फिर से चेक करेंगे क्या ये सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो फाइनली ये जो हमारा वाल्व है ये बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है। बहुत हल्की सी माइनर सी प्ले हमने इसमें रखनी है, उससे क्या होगा कि प्ले रखने से आपकी गाड़ी जब गर्म हो जाएगी, ओवरहीट हो जाएगी, तो उस टाइम पर ये परफेक्ट काम करेगा, जिससे कि यहाँ पे गर्म होने के बाद गाड़ी के वाल्व जो है वो टाइट हो जाते हैं, फिर टाइट होने के बाद कंप्रेसर कटने का खतरा भी ख़त्म हो जाएगा। और आप बिल्कुल इसको फिक्स साइज़ कर देंगे, तो फिक्स करने से क्या होगा कि आपकी गाड़ी में ऐसी कंप्रेशर कम होने की शिकायत होने लग जाएगी। तो टैपेट टाइट करते समय आपने ये बड़ा ध्यान रखना है कि इनका जो गैप है हल्की सी प्ले होनी चाहिए, ज़्यादा प्ले भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा टाइट भी नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल फ्री होने चाहिए। और फ्री होने का मतलब है कि वाल्व जो है ओवर टाइट नहीं है, इसलिए ये फ्री है। तो आपको जो टैपेट हैं वो इसी तरह रखने हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि टैपेट की सेटिंग कैसे करते हैं। अगर नहीं आया है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और नहीं तो मेरा दूसरा व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखा है, उस पर आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं कोई भी जानकारी के लिए। तो हम इसको जो है पैक कर देते हैं।
तो पैक करने से पहले हमारे लिए यहाँ पर ये लगाना पड़ेगा इस तरह से, एक जो इसका एडजस्टर है जहाँ हम के इसकी प्लेट को टाइट करेंगे, तो वो लगाने के बाद जो है हमें कुछ इस तरह से 11 नंबर से ही हमें यहाँ से टाइट कर देना है। उसके बाद हमारा जो पैकिंग है इसको हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से, और फिर हमारी जो प्लेट है इस प्लेट को भी हम यहाँ पर टाइट कर देंगे। और ये रहा हमारा नट, तो सिंपल सी फिटिंग है यहाँ पर, इसको आप प्रॉपर टाइट कर दें, ज़्यादा हैवी जोर भी ना लगाएं और ज़्यादा इसको लूज़ भी ना छोड़ें, इसको नॉर्मली टाइट करें जैसे हम लोग नॉर्मल बोल्ट को टाइट करते हैं, उसी तरह से हमने ये टाइट कर देना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।